जी हाँ, बार बार गुवाहाटी स्पेशल। सैल्यूट है आप लोग को, इन लोग को सैल्यूट है भाई साहब, और सैल्यूट है इन्हीं लोग के वजह से। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल AK ब्लॉगर्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मज़े में होंगे। चलिए आज की ट्रेन जर्नी होने वाली है 05631 जो बाड़मेर से चलकर गुवाहाटी के बीच चलती है। आज मैं पटना से बोर्ड करने वाला हूँ। चलिए चल के अंदर दिखाते हैं आपको टिकट चेकिंग या कोविड टेस्ट का चेक हो रहा है क्या नहीं। आप यहाँ पे ले सकते हैं और ये फिलहाल एक नंबर का प्लेटफॉर्म है और हमारी गाड़ी फिलहाल 4 बजे आने की सूचना है। सब हम लोग पहुँच चुके हैं एक नंबर पे और हम लोग का कोई टिकट चेक और कोविड टेस्ट कुछ नहीं हुआ था और हमारी ट्रेन फिलहाल एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है। और आज की जर्नी होने वाली है भाई का स्लीपर क्लास में, और चलिए मिलते हैं सीट पर। ट्रेन आता है तो ट्रेन दिखाते हैं आप लोग को और बाद में बताऊंगा कहां तक की जर्नी होने वाली है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जर्नी बहुत शानदार होने वाली है। और अगर अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाए हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा भाई साहब। जी हां, बाड़मेर गुवाहाटी स्पेशल गाजियाबाद का वेब 7 लोकोमोटिव के साथ चलती है और इसमें भाई साहब ICF कोच लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन एक नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइव ले चुकी है 10 मिनट बिफोर। भाई का सीट 69, भाई का सीट है मिडिल बर्थ S4 में 69। और ना खुश हूँ सीट से, आपको पता है भाई का फेवरेट सीट कौन सा है। तो आज भर चलिए यहीं तक और मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। चलिए थोड़ा बाहर में बातचीत करते हैं आपसे, फिर उसके बाद मिलते हैं डिपार्चर पे। और हमारी ट्रेन में इसी स्टेशन पर वाटर फिल किया जाएगा यानी पानी भरा जाएगा। और यहाँ आ रही है फिलहाल हमारी ट्रेन बाड़मेर से और मैं पटना से बोर्ड किया हूँ। और आगे मैं बताऊँगा कहाँ तक की जर्नी होने वाली है और जर्नी बहुत शानदार होगी और सब कुछ मिलेगा आपको इस जर्नी के में। और शानदार डिपार्चर होगा अभी। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर फिलहाल 10 मिनट का हॉल्ट है और 10 मिनट बिफोर आई है यानी 20 मिनट यहाँ पर रुकेगी। और स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर पटना का स्टेशन कोड है PNBE। यहाँ फिलहाल 270 ट्रेन का रोज़ाना हॉल्ट है, 70 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 72 टर्मिनेट पटना जंक्शन से। अगर मैं पटना की फेमस की बात करूँ तो बगल में ही आपको महावीर मंदिर मिल जाएगा, बुद्ध स्मृति पार्क मिल जाएगा और बिहार का तो फेमस है पता ही आप लोगों को, लिट्टी चोखा। चलिए आप लोग से बहुत बात कर लिए हैं, आपसे मिलते हैं डिपार्चर पर और शानदार डिपार्चर पर मिलते हैं आपसे। फिलहाल राइट टाइम डिपार्चर ले चुकी है पटना जंक्शन से। अगर मैं छोटी सी इस ट्रेन की जानकारी दे दूँ तो यह फिलहाल रविवार को निकलती है बाड़मेर से और तीसरे दिन आप होंगे गुवाहाटी में। और इस दौरान यह टोटल डिस्टेंस कवर करती है 45 लगभग 2500 किलोमीटर और इस दौरान इसका एवरेज स्पीड रहता है 49 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम स्पीड रहती है।
और मैं अगर इस कोच की बात करूँ तो सेकंड सीटिंग का 4 कोच, स्लीपर का 13 कोच और थर्ड एसी का 4 कोच, सेकंड एसी का 1 कोच के साथ चलती है ये बाड़मेर गुवाहाटी स्पेशल। अगर मैं इस फेयर की बात करूँ तो सेकंड सीटिंग का है 525 रुपया और स्लीपर का है 845 रुपया, थर्ड एसी का है 2210 रुपया और सेकंड एसी का है 3240 रुपया। ये डायनेमिक फेयर है, ऊपर नीचे हो सकता है। आप सुंदर सा डिपार्चर आप देख सकते हैं पटना जंक्शन से, और पटना जंक्शन पर आपको फूड आउटलेट खुला हुआ मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कोई भी खाने के लिए दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप देख सकते हैं फ़िलहाल बहुत ही भीड़ है यहाँ पर पटना जंक्शन पर, और हमारी ट्रेन राइट टाइम एकदम डिपार्च ले चुकी है। और बाय बाय पटना जंक्शन, फिर मिलेंगे। तो पटना से खुलने के बाद यह ट्रेन रुकती है डायरेक्ट बख्तियारपुर में और फिर मोकामा में, लेकिन मैं आपसे मिलूँगा कहाँ पे? मोकामा में। चलिए मोकामा में मिलते हैं, और फिलहाल थोड़ी नींद आराम भी चाहिए भाई साहब। भाई साहब आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम हो चुका है, वाओ। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं मोकामा, जिसका स्टेशन कोड है MKA। यहाँ फिलहाल 215 ट्रेन का रोज़ाना हॉल्ट है और 10 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 10 टर्मिनेट मोकामा स्टेशन से। अगर मैं यहाँ फेमस की बात करूँ तो लॉर्ड परशुराम टेंपल, जो यहाँ का धार्मिक स्थल है, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमारी ट्रेन यहाँ 6 बजे का अराइव लेने का टाइम था, लेकिन हमारी ट्रेन 25 मिनट बिफोर यानी 5:35 में अराइव ले चुकी है, और 2 मिनट का हॉल्ट है, 27 मिनट यहाँ पर हमारी ट्रेन हॉल्ट करेगी। और मिलते हैं आपसे डायरेक्ट डिपार्चर पर, और बिल्कुल राइट टाइम से हमारी ट्रेन डिपार्च ले चुकी है मोकामा स्टेशन से। और हम लोग अब हावड़ा दिल्ली मेन लाइन को छोड़कर चले जाएंगे न्यू बरौनी गुवाहाटी लाइन को, और इस जगह से ही क्योल के लिए लाइन निकलेगा जो हथीदा जंक्शन से होते हुए जाएगा। और हमारे ये डिपार्चर आप देख सकते हैं, कौन सा ट्रेन है? इस्लामपुर हटिया ना, लोग जो देख सकते थे, मतलब मैं बात करूं 3-4 दिन पहले की, तो हर रूट की गाड़ी, मतलब जो कटिहार इस रूट से जो ट्रेन जाती थी, यहां तक कि राजधानी ट्रेन को भी डाइवर्ट कर दिया गया था। और ये जो हम लोग के जो रेलवे अधिकारी हैं यानी मेन सब हैं, ये लोग को सैल्यूट है, और ये लोग के ही कारण आज हम लोग सुरक्षित चल पा रहे। सर सैल्यूट है आप लोग को, इन लोग को सैल्यूट है भाई साहब, और सैल्यूट है, इन्हीं लोग के वजह से हम लोग चल पा रहे हैं। और इसी जगह पर लाइन धंसा था, और इसी कारण हम लोग यहाँ तक कि राजधानी रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया था, और 1 सप्ताह यहाँ पर काम चला था।
और इसी कारणवश यहाँ से अभी गाड़ी स्लो स्लो पास हो रही है। पैसेंजर से नहीं मिला हूँ, ये हमारे को पैसेंजर हैं और ये जब ये बाड़मेर से सफ़र करके आ रहे हैं, ये फ़िलहाल जाएंगे कूचबिहार तक ना, कूचबिहार तक जाएंगे। और ट्रेन का साफ सफाई आपको कैसा लगा? सही है। सब लोग आए थे क्या? टिकट उकट चेक किया आप लोग का? एक बार भी नहीं, एक बार भी चेक नहीं हुआ, एक बार भी लोग का टिकट चेक नहीं हुआ, बताइए। तब ये मतलब कोच बहुत पुराना है भाई साहब। और आपको इस ट्रेन में खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी, एंडर भेंडर सब चढ़ते रहते हैं, कैटरिंग पेंट्री कार भी है और बाहर से भी खाना ऑर्डर होता है, ऑनलाइन भी ऑर्डर होता है और पेंट्री कार है वहाँ से भी आता है कुक्ड फूड, लेकिन पेंट्री कार में खाना नहीं बन रहा है, वो आ रहा है आपका स्टेशन से रिबोर्ड हो रहा है, वो आपको मिलेगा। और मैंने स्टाफ से बात किया तो खाना में आपको मिल जाएगा, अंडा चावल, मछली चावल और मतलब सादा खाना, लगभग वही 120-130 का है। तो अब फिलहाल मिलते हैं आपसे खगड़िया में, बात करते हैं। की देरी से हम लोग पहुंच चुके हैं खगड़िया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है KGG। यहाँ फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म है, 215 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, यहाँ से 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 4 ट्रेन मिनट। अगर मैं खगड़िया की बात करूँ तो यहाँ का फेमस है आम और लीची। और मैं यहाँ की नदी की लाइन बात करूँ तो गंगा, कमला और कोसी, कारी कोसी और बागमती यहाँ पर आके मिलती है, और इसीलिए खगड़िया में हमेशा बाढ़ आने का संभावना बना रहता है। और मैं अगर यहाँ से लाइन की बात करूँ तो यहाँ से एक लाइन गई है समस्तीपुर के लिए और रसरा घाट होते हुए भाया रसरा घाट, और एक लाइन गई है कुशवेश्वर धाम के लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और हमारी ट्रेन 22 मिनट डिले आई है और 2 मिनट का हॉल्ट है। खानापुर डिवीज़न से सोनपुर डिवीज़न में आ चुके हैं अभी, और ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, और हमारी ट्रेन का सिग्नल हो गया है, चलते रिबोर्ट करते हैं ट्रेन में। 2 मिनट की हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन डिपार्चर ले चुकी है खगड़िया जंक्शन से। और खगड़िया जंक्शन पर आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग देख सकते हैं। बाय बाय खगड़िया जंक्शन, फिर मिलेंगे। अगर आपको कटिहार पटना इंटरसिटी का ब्लॉग देखना है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन फुल रफ्तार में है। खगड़िया में लिए लिट्टी जो 20 का 4 पीस है, और खा के आपको टेस्ट बताते हैं, देखते हैं क्या है, और अच्छा होगा तो रिकमेंड करेंगे आप लोग को कि लेके आप लोग भी खा सकते हैं अगर सवेरे का ब्रेकफास्ट मिले तो। भैया कैसा है? बहुत अच्छी है। और ठीक है, अब देखते हैं, हम खा के देखते हैं, बताते हैं फिर उसके बाद। हमें तो अच्छा लगा, पता नहीं आपको कैसे। ठीक है, वो तो टेस्ट की बात करूँ तो 10/7 है, क्योंकि थोड़ा तीखापन है और मुझे लगता है थोड़ा सुबह गर्म करके दिया गया है, और आप हो सके तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 10/7 है। नहीं है, वाशरूम में वाशरूम का कंडीशन आपको दिखाते हैं, वाशरूम का क्या कंडीशन है, और फिर उसके बाद में आपको स्लीपर क्लास का वाशरूम का कंडीशन दिखाते हैं। सामने एक मिरर दिखा रहेगा और वॉश बेसिन है, और इसमें फ़िलहाल पानी आ रहा है, और चलते हैं वाशरूम के अंदर। अंदर है जो चमकता वो नहीं है, और वाटर डिस्पेंसर में फ़िलहाल पानी आ रहा है,
और सामने एक लाइट दिख जाएगा आपको, और फ्लश बटन है, और फ्लश कीजिए, पानी तो आ रहा है। और ओवरऑल मैं वाशरूम की बात करूँ तो वाशरूम फिलहाल एवरेज है। आप लोग देख सकते हैं बिहार में फिलहाल अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, और ये पूरा इलाका जितना है सभी बाढ़ क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, और जितने भी खेत थे अभी देखिए पानी लबालब भरा हुआ है, और जितने भी खेत यानी घर सब थे वो आप रेलवे ट्रैक के आसपास ही मतलब ये कर सकते हैं, आप लोग ट्रैक सुन सकते हैं। और आपका भाई बाहर का नज़ारा ना दिखाए ऐसा हो नहीं सकता, आप लोग बाहर का नज़ारा का शॉट लीजिए और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप बाहर का नज़ारा का शॉट लीजिए। हाँ जी हाँ, हम लोग 40 मिनट की देरी से पहुँच चुके हैं नौगछिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है NNA। यहाँ फिलहाल 129 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है। यहाँ का मैं अगर फेमस की बात करूँ तो यहाँ का फेमस है पीला मक्का, यानी पीला मक्का भुट्टा, और यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है बनाना यानी केला को, केला की खेती यहाँ पर होती है। और बात करूँ तो यहाँ से ये आता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ से अप्रॉक्स भागलपुर 50 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो यहाँ से टेम्पो आप लोग को मिल जाएगा, बस मिल जाएगा, और यहाँ से मतलब 2 से या 3 किलोमीटर आप रोड पे NH 31 पर जाओगे तो वहाँ से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, बस से आप भागलपुर जा सकते हो। और अगर मैं बात करूं यहां से नौगछिया को, भागलपुर का हट कहा गया है नौगछिया को, किस लिए वो विक्रमशिला सेतु पुल जो है उसी कारण ये जोड़ता है NH 31 को, यानी नेशनल हाईवे 31 को। और मैं अगर जोन की बात करूं तो यह आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे सोनपुर डिवीज़न में। और मैं अब मिलता हूं आपसे डिपार्चर पर, और 2 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, और मिलते हैं आपसे डिपार्चर पर। स्टेशन पर आपको फूड आउटलेट सब खुला हुआ मिल जाएगा, और आप यहाँ के आप ले सकते हैं खाने पीने का। ऐसे ट्रेन में तो पेंट्री कार है, लेकिन अभी तो आप लोगों को पता है पेंट्री का क्या दशा है, और मतलब रेडी टू फूड मिलेगा आपको, और ई कैटरिंग से आप लोग को मिलेगा। और ट्रेन का हॉकिंग हो गया, चलते बोर्ड करते हैं ट्रेन में और दिखाते हैं आपको डिपार्चर। स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं, और आप देखिए सुंदर सा डिपार्चर नौगछिया जंक्शन से।
और नौगछिया जंक्शन का ये मेन एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कोई टिकट चेकिंग नहीं हो रहा है। और बाय बाय नौगछिया जंक्शन, फिर मिलेंगे जल्द आप लोग से नौगछिया में। मैं आपको सबसे को पैसेंजर से मिलाता हूँ, ये भैया से तो आप मिल लिए, अरे ये बात भी किए थे तभी। और वो भैया हैं सामने सो रहे हैं, और इनको कहाँ तक, कटिहार तक ही इनको भी जाना है। और मैं और ये अंकल रंगिया तक जाएंगे, और इनका भी ये खगड़िया से बोर्ड किए थे। डिब्रूगढ़ डेस्टिनेशन कटिहार जंक्शन पहुंच चुके हैं बिल्कुल टाइम से हम लोग। और यहां की मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं तो यहां 8 प्लेटफॉर्म है, और यहां पर 135 ट्रेन का रोजाना हॉल्ट है, और 35 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है, 35 टर्मिनेट, और यह NF रेलवे के अंतर्गत आता है कटिहार डिवीज़न। और हमारी यहीं तक की जर्नी थी। अगर आपको इस जर्नी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, और कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, भर भर के कमेंट मारिए आप लोग। मैं कमेंट हमेशा चेक करता रहता हूँ। अगर मेरा इंस्टाग्राम की आईडी आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। इंस्टा आईडी है स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको देख कर आप इंस्टा, ऐसे भी मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का आईडी दे दूंगा। आइए वहां पर बातचीत करते हैं अच्छे से। चलो आप लोग आ सकते हैं, अगर आप लोग आ रहे हैं बाहर से तो यहां पर आप कोविड टेस्ट करा के, टिकट चेकिंग तो फिलहाल नहीं हो रहा था, और यहां पर फिलहाल आप कोविड टेस्ट करा के बाहर जाने दिया जा रहा है। आप लोग इस जगह देख सकते हैं, और इसी जगह हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा,